हमारे सोलर सिस्टम में मात्र एक ऐसा ही प्लेनेट है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, पृथ्वी। एंड हम पृथ्वी से जुड़े बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट नहीं जानते हैं। एंड अगर आप भी पृथ्वी से जुड़े सारे फैक्ट जानना चाहते हैं तो बने रहना हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। फैक्ट नंबर 50, अगर हम पूरे वर्ल्ड के पूरी पॉपुलेशन को लॉस एंजेलिस में खड़ा कर दें, जैसे हम स्कूल में खड़ा होते थे एक के सामने एक, ऐसे पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन को केवल लॉस एंजेलिस में खड़ा कर दें तो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन वहां पे आसानी से फिट आ जाएगा। फैक्ट नंबर 49, दोस्तों होटल के खाना के बारे में आपने बहुत सुना होगा। एंड ये बताते भी हैं कि हमारे यहाँ कितना डेली खाना बनता है, बट क्या आपने कभी सोचा है इस दुनिया में सबसे ज्यादा खाना बनाने का रिकॉर्ड किस होटल के पास है? ये रिकॉर्ड हमारे ही देश के अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल के किचन को दिया गया है और इसे गिनीज बुक में भी लिखा गया है। यहाँ रोज 100,000 लोगों का खाना बनता है और उन्हें फ्री में दिया जाता है। फैक्ट नंबर 48, क्रिकेट तो हम सभी ने खेला है, बट क्या आपने कभी सोचा है बॉलर जब बॉल फेंकता है तो उसकी स्पीड हमें कैसे पता लग जाती है? स्पीड गन का नाम आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं, एक ऐसा गन होता है जिसमें किसी भी चीज की स्पीड मापी जाती है एंड इसी का यूज करके क्रिकेट में बॉलर की बॉल की स्पीड को मापी जाती है। फैक्ट नंबर 47, क्या आपको पता है इस दुनिया में एक ऐसा वोल्केनो है जिससे नीले रंग का लावा निकलता है? जी हाँ मेरे दोस्त, इथियोपिया देश में एक ऐसा वोल्केनो है जहाँ पे नीले रंग का लावा निकलता है एंड उस वोल्केनो का नाम है डलोल वोल्केनो। एंड यहाँ पे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोगों का मानना है बहुत साल पहले भूकंप आया था एंड यहाँ पर एक रिसर्च सेंटर था जिसके तबाह होने के बाद पे यहाँ पे वोल्केनो बन गया एंड उसी की वजह से यहाँ पे नीले रंग का लावा निकलता है। फैक्ट नंबर 46, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि एक ऐसा इंसान जिसे खूबसूरत होने की वजह से अपने देश को छोड़ना पड़ा? आपको लग रहा होगा यह एक मजाक है, बट यह एक सच्ची घटना है। सऊदी अरेबिया के रहने वाले उमर बोरकान अलगाना को ज्यादा हैंडसम होने की वजह से अपने देश को छोड़ के जाने पे मजबूर किया गया। वहाँ के गवर्नमेंट को ऐसा लगता था कि इनकी खूबसूरती वहाँ के प्रिंस को चैलेंज कर रही है एंड इतना ज्यादा खूबसूरत होने की वजह से वहाँ की लड़कियाँ इनके प्यार में पागल हो जाएंगी, इसीलिए उन्हें देश छोड़ने पे मजबूर किया गया। इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 45, एक ऐसा इंसान जिसने पानी बेच के 700 करोड़ कमा लिया। आपको तो पता ही होगा बिस्लरी का पानी केवल 20 रुपए में आता है, बट कुछ ऐसे भी पानी है जो काफी महंगे आते हैं। अमेरिका के एक रैपर ने बिस्लरी के बॉटल को अच्छे से ब्रांडिंग करके 50 सेंट पर बॉटल बेचा एंड जिसकी वजह से बहुत कम समय में उसने 700 करोड़ रुपए कमा लिया। फैक्ट नंबर 44, ये फैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दरअसल बात ऐसी है कि टर्की में एक भेड़ पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे दिया एंड उसके पीछे 1200 भेड़ छलांग मार के अपनी जान दे दिए। तभी से कहा जाने लगा कि भेड़ चाल मत चलो। फैक्ट नंबर 43, जेम्स सैंडी एजुकेशनल फाउंडेशन आपको $1 मिलियन देगा अगर आप वहाँ जाके प्रूफ करते हो इस दुनिया में भूत प्रेत एंड इनयूजुअल एक्टिविटी नाम की कोई चीज है, तो ये इंस्टीट्यूट आपको $1 मिलियन का चेक देगा। तो अगर आप प्रूफ कर सकते हो तो जाओ और $1 मिलियन का चेक आपका हो जाएगा। फैक्ट नंबर 42, अगर मैं आपसे बोलूं ये नदी उल्टी बह रही थी तो क्या आप विश्वास करोगे? बट ऐसा हुआ है और उस नदी का नाम है मिसिसिपी और ये 24 घंटे तक उल्टी बह रही थी। दरअसल ये सब एक भूकंप के कारण हो रहा था। फैक्ट नंबर 41, दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी, ये मोहन नाम का इंसान जिसके अंदर 0.25 एम्पियर का करंट बनता है एंड इसे टीवी फ्रिज मिक्सर एंड माइक्रोवेव तक को भी चला दिया है एंड वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर कई सारे रिसर्च किए बट कुछ भी खास सामने नहीं आया। एंड हैरान कर देने वाली बात यह है कि इतने करंट से एक आम इंसान की मौत हो जाती है, तो ये जिंदा कैसे है? फैक्ट नंबर 40, दोस्तों हरियाणा के एक गांव में एक ऐसा गधा है जिसकी कीमत किसी लग्जरी कार से कम नहीं है और ये गधा मिड एशिया में काफी फेमस भी है और इसे एशिया के गधों का सुल्तान कहा जाता है। इस गधे की करंट टाइम में वैल्यू 50 लाख रुपए है एंड क्या आपको ऐसा सुल्तान बनना पसंद है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 39, दोस्तों आपने इंग्लिश तो बहुत पढ़ा होगा, बट क्या आपने कभी सोचा है इंग्लिश का सबसे पुराना वर्ड कौन सा है? टाउन, TOWN, ये वर्ड दुनिया का सबसे पुराना वर्ड माना जाता है एंड लोगों का मानना है इससे पहले इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं था। फैक्ट नंबर 38, एक ऐसा देश जहां के लोग इतने गरीब हैं कि उन्हें अनाज खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। दरअसल यह एक अरेबियन कंट्री है एंड यहां के लोग पहाड़ी मिट्टी पे वनस्पति तेल लगाकर और उसे सुखाकर खाते हैं। फैक्ट नंबर 37, आपने कुत्ते बिल्ली एंड हाथी को पालते हुए बहुतों देखा होगा, बट क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा इंसान जिसने क्रोकोडाइल को अपना पालतू जानवर बना लिया? गिल्बर्टो ग्राहम नाम के एक फोटोग्राफर को फोटोग्राफी करते टाइम एक मगरमच्छ से मुलाकात हुई जो ऑलमोस्ट अपने मरने के हालत के लास्ट स्टेज में था, बट इस इंसान ने उसका ट्रीटमेंट करवा के उसे जिंदा बचा लिया एंड करंट टाइम में ये काफी एक अच्छे दोस्त भी हैं। गिल्बर्टो ग्राहम का कहना है कि स्टार्टिंग में उन्हें काफी डर लगता था, बट वो मगरमच्छ
सब उनके एक फैमिली का पार्ट है एंड वो सब एक साथ स्विमिंग भी करते हैं। फैक्ट नंबर 36, जापान में काम को इतना सीरियस लिया जाता है कि वहाँ के ऑफिस में कोई एक मिनट भी लेट नहीं पहुँचता है एंड जिसकी वजह से अगर वहाँ के ट्रेन के सामने कोई सुसाइड करता है तो उनके फैमिली को फाइन भरना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ के गवर्नमेंट का मानना है कि सुसाइड करने से ट्रेन लेट हुआ एंड लोग अपने ऑफिस लेट पहुँचे। फैक्ट नंबर 35, आपने कई देश के आर्मी को तो देखा ही होगा एंड उनके आधुनिक हथियारों के बारे में भी जानते होंगे, बट इराक इमारत एक ऐसा देश है जहाँ मिसाइल को लॉन्च करने के लिए गधों का इस्तेमाल किया जाता है एंड वहाँ के आर्मी फोर्स का मानना है कि गधों के इस्तेमाल से टाइम का बचत होता है। फैक्ट नंबर 34, आपने इंडियन करेंसी के सिक्कों को तो यूज किया ही होगा बट क्या आपने कभी सोचा है सिक्के के नीचे डायमंड स्टार एंड डॉट क्यों बना होता है? तो मैं आपको बता दूं, अगर सिक्के के नीचे डॉट बना है तो वह सिक्का नोएडा में बना है एंड अगर स्टार बना है तो वह सिक्का हैदराबाद में बना है एंड उसके नीचे अगर डायमंड बना है तो वह सिक्का मुंबई में बना है एंड कभी कभी इन सिक्कों को विदेश में बनाया जाता है तब उसके नीचे सी या ओ बना हुआ होता है। फैक्ट नंबर 33, जब इंडियन करेंसी की बात आती है तो आपने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा कि एक इंडियन करेंसी एक यूएस डॉलर के बराबर होना चाहिए, बट क्या आपको पता है इंडियन करेंसी से भी वीक करेंसी इस दुनिया में अवेलेबल है। एग्जाम्पल दैट, इंडिया के एक रुपए की करेंसी इराक के 571 रियाल के बराबर है एंड एक डॉलर की वैल्यू 40,000 रियाल के बराबर है एंड जिसकी वजह से इराक एक बहुत ही गरीब देश है। फैक्ट नंबर 32, साल 2002 में सो टाइम नाम के एक मैगजीन ने लिखा था कि ऋतिक रोशन का करियर अब खत्म हो चुका है एंड आगे से इन्हें कोई भी बड़ी मूवी एंड बड़े एडवर्टाइजिंग का काम नहीं मिलेगा एंड जिसके 20 साल के बाद ऋतिक रोशन एक सक्सेसफुल एक्टर हैं एंड सो टाइम नाम का मैगजीन ही बंद हो चुका है। तो इस मैगजीन के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना एंड ऋतिक रोशन के लिए एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 31, शाहरुख खान के ऐसो आराम की जिंदगी के बारे में आप जानते ही होंगे, बट क्या आपको पता है शाहरुख खान का एक पर्सनल लिमोजिन कार है जो 100 मीटर लंबा है एंड इस कार में बैठने के लिए कुछ यूनिक पर्सन को ही परमिशन है जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड शाहरुख खान की फैमिली के सिवा इंडिया से और कोई नहीं बैठ सकता। फैक्ट नंबर 30, आपने कभी सोचा है हमारी पृथ्वी कितने साल पुरानी है या फिर हमारी पृथ्वी का एज कितना है? तो मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं, अभी तक हमारी पृथ्वी की जो एज कैलकुलेट की गई है वो टोटल 4.5 बिलियन ईयर है। ऑब्वियसली अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि ये कैसे कैलकुलेट किया गया, क्योंकि उस टाइम तो कोई इंसान था नहीं जो हमें आके आज के डेट में बताए। तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, रेडियोमेटिक डेटिंग टेक्निक से उस टाइम के एक पत्थर पर रिसर्च किया गया एंड उसी से हमारे पृथ्वी का हमें एज का कैलकुलेशन पता चला। फैक्ट नंबर 29, अगर मैं आपसे पूछूं एक दिन में कितने घंटे होते हैं तो आप भी बोलोगे पागल है क्या, 24 घंटे ही होते हैं। तो मेरे दोस्त, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, आज के लगभग 6 करोड़ साल पहले एक दिन में केवल 21 घंटे ही होते थे एंड हाँ मेरे दोस्त, ऐसा इसलिए होता था क्योंकि पृथ्वी धीरे धीरे सूर्य से दूर जा रही है एंड कुछ साल के बाद हमारा ये 24 घंटा वाला भी कैलकुलेशन खराब हो जाएगा। फैक्ट नंबर 28, क्या आपने कभी छिपे हुए समुद्र के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं, हमारे वैज्ञानिकों ने ये दावा किया है पृथ्वी की सतह में लगभग 680 किलोमीटर नीचे एक छिपा हुआ समुद्र है जिसमें हमारी पृथ्वी से 3 गुना ज्यादा पानी है, बट ये वाटर लिक्विड के फॉर्म में नहीं है, आइस के फॉर्म में है जिसे रेंज वेडिट का नाम दिया गया है एंड अगर इन फ्यूचर में इसे लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया गया तो हमारी पृथ्वी पे कभी पानी की कमी नहीं पड़ेगी। फैक्ट नंबर 27, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, पृथ्वी पे जीवन की शुरुआत कहां से हुई एंड पृथ्वी पे हम इंसान जो सबसे बुद्धिजीवी माने जाते हैं ये सबसे पहले कहां से आए? सभी वैज्ञानिक मिलकर अभी इस बात का पता नहीं लगा पाए कि मनुष्य की उत्पत्ति हुई कहां से है एंड रुको, आप सोच रहे होगे कि हम पहले बंदर थे, तो फिर ये भी सोचो ना कि बंदर की उत्पत्ति कहां से हुई। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उसी टाइम डीएनए का निर्माण हुआ था एंड उसी से हम पहले बंदर एंड अब इंसान बने, तो इससे यह तो साबित हो गया कि हम कोई एलियन नहीं है जो बाहर किसी प्लेनेट से आए हैं। फैक्ट नंबर 26, सब तो ये मानते ही है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, बट क्या आपने कभी सोचा है कितनी स्पीड से घूम रही है? तो मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये जो पृथ्वी है एक सेकंड में 30 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लेता है, बट हमें तो पता ही नहीं चलता कि हम पृथ्वी जैसी नाव पे बैठ के 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रहे हैं। तो इसके पीछे का लॉजिक ये है कि हम जितनी स्पीड से घूम रहे हैं उतनी स्पीड से इस धरती की हर एक चीज घूम रही है जिससे हमें इस स्पीड का पता नहीं चलता है। फैक्ट नंबर 25, 2014 और 2010 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उस टाइम इस दुनिया की आधी पॉपुलेशन केवल टीवी देख रही थी। जी हाँ मेरे दोस्त, उस टाइम इस दुनिया में जितने भी टीवी थे उसमें से आधी टीवी ऑन थी एंड इसी की वजह से एक सर्वे के अनुसार पता किया गया उस टाइम आधी पॉपुलेशन टीवी देख रही थी। फैक्ट नंबर 24, अगर हम पेंगुइन के एग को वायल करें, यानी ये जो पेंगुइन आपको दिख रहा है इसके अंडे को हम उबालें तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। जी हाँ मेरे दोस्त, उसके अंदर दिखने वाला जो पीले कलर का योग होता है वो हमें क्लियर बाहर से ही दिखाई देगा। फैक्ट नंबर
नंबर 23। इस दुनिया में एक ऐसी वेबसाइट है जो पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन को, मतलब पैदा होने और मरने को दोनों को काउंट करती है। ये जो वेबसाइट आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इसमें कितने लोग पैदा हुए एंड कितने लोगों की मौत हुई, दोनों ये वेबसाइट काउंट करता है। आई डोंट नो जब मैं पैदा हुआ था तो काउंट किया था कि नहीं, तो ये वेबसाइट गलत भी हो सकती है। बट वेबसाइट ओनर का तो यही कहना है कि ये रियल टाइम में पैदा होने और मरने दोनों को काउंट करती है। फैक्ट नंबर 22। पिज्जा तो आप सभी खाते ही होंगे, बट क्या आपने कभी सोचा है इस दुनिया में सबसे पहला पिज्जा किसने ऑर्डर किया होगा? सन 1899 में इटली की महारानी मार्गनेटा ने पहली बार पिज्जा को ऑर्डर किया था, एंड शायद तब से मार्गनेटा पिज्जा इनके ही नाम पे रखा गया है। तो पिज्जा लवर, क्या आपको ये फैक्ट पहले से पता था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 21। अगर हम चींटी को आसमान से फेंक दें, या बुर्ज खलीफा से जाके फेंक दें, या फिर माउंट एवरेस्ट से जाके फेंक दें, तो भी चींटी जिंदा बच जाएगी। जिस चींटी को आप हाथ से मसल के मार देते हो, ये बुर्ज खलीफा से भी कूद के बच जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो चींटी होती है इसमें बहुत कम वेट होता है, एंड इसी की वजह से ये जमीन पे गिरने के बाद भी आसानी से सर्वाइव कर जाती है। फैक्ट नंबर 19। प्याज काटने से आपको भी पता होगा आंखों से आंसू निकल जाते हैं, बट अगर मैं आपको बोलूं बस ये कर लो और चाहे जितना प्याज काटो कुछ नहीं होगा, तो क्या आप विश्वास करोगे? जी हाँ मेरे दोस्त, अगर प्याज और चाकू दोनों को एक साथ पानी में 5 मिनट के लिए भिगा दिया जाए एंड फिर प्याज को कट करते हैं, तो आपके आंखों से आंसू बिल्कुल नहीं निकलेगा। यह रियल एंड टेस्टेड है। फैक्ट नंबर 18। डॉल्फिन मछली के बारे में आपने बहुत सुना होगा, बट क्या आपको पता है डॉल्फिन मछली जब पैदा होती है तो उसके 95% बॉडी में केवल बाल होते हैं, बट जैसे जैसे वो बड़ी होती है एंड तैरना सीख जाती है तो उनके सारे बाल खत्म हो जाते हैं और लास्ट में केवल 1% ही बचता है। फैक्ट नंबर 17। पेरिस के आईफिल टावर के बारे में आपने जरूर सुना होगा, बट क्या आपको पता है इस टावर को उड़ाने के लिए एक इंसान ने प्लान इसलिए बनाया क्योंकि वह जब सोता था तो इस टावर की लाइट उसे डिस्टर्ब करती थी, क्योंकि उसका घर टावर के काफी पास में था। बट इस इंसान ने आईफिल टावर को उड़ाने में नाकामयाब रहा, लेकिन उसके बाद आईफिल टावर की लाइट को थोड़ा सा डीम कर दिया गया। कितने सनकी लोग रहते हैं इस दुनिया में। फैक्ट नंबर 16। यह फैक्ट काफी इंटरेस्टिंग है, अगर इसे आप फॉलो करते हो तो आपकी भी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपको किसी का कॉल रिसीव करने से पहले एक स्माइल करके कॉल को रिसीव करना चाहिए, जिससे आपके हार्ट से माइंड तक एक पॉजिटिव वेव आएगा एंड आपका बोरिंग से बोरिंग कन्वर्सेशन भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा और सामने वाला भी खुश हो जाएगा। तो एक बार इसे ट्राई जरूर करना। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसा भी भिखारी है जिसने अपने अकाउंट को मैनेज करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट रखा है? मिलिए कृष्ण कुमार से। ये एक करोड़पति भिखारी हैं जिनके पास 1 करोड़ के 2 फ्लैट हैं एंड इनके ऑफिस में 6 से ज्यादा एम्प्लॉई हैं केवल इनके अकाउंट को मैनेज करने के लिए, जिसके कारण से ये एक करोड़पति भिखारी कहलाते हैं। तो क्या आप भी ऐसा भिखारी बनना पसंद करोगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको पता है जब कैंडल जलता है तो येलो कलर का फ्लेम निकलता है, बट यही कैंडल अगर हम स्पेस में जलाएं तो हमें ब्लू कलर का फ्लेम दिखाई देगा, एंड अगर हम पृथ्वी पे जीरो ग्रेविटी का एनवायरनमेंट क्रिएट कर दें तो ब्लू कलर का फ्लेम हमें पृथ्वी पे भी दिखाई देगा। फैक्ट नंबर 13। आपने कभी सोचा है जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन्हें मॉर्निंग बेल काफी बेकार लगता है, बट इवनिंग में जब उनके स्कूल का छुट्टी होने को रहता है तब उन्हें वही बेल काफी अच्छा लगता है? इससे यह तो साबित हो जाता है हर चीज अपनी जगह पे यूनिक एंड अच्छी है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, क्या आपको पता है यूएसए में कैडबरी चॉकलेट बैन है? बट आपने शायद सोचा नहीं होगा, यूएसए में बहुत से ऐसे लोग हैं जो चॉकलेट खाने के लिए लगभग 9000 किलोमीटर उड़ के जाते हैं केवल इसलिए क्योंकि उन्हें कैडबरी चॉकलेट का फ्लेवर पसंद है। तो अगर इंडिया में कैडबरी चॉकलेट बंद हो जाए तो क्या आप इतना दूर जाना पसंद करोगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 11। बादल तो आपको व्हाइट ही दिखते हैं एंड आसमान नीला दिखता है, बट ऐसा नहीं होता है। बादल कलरलेस होता है, बादल केवल पानी और आइस से बना होता है एंड पानी और आइस का कोई कलर नहीं होता है, बट सूर्य के रिफ्लेक्शन के कारण से ये हमें व्हाइट दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है इस दुनिया में पानी की बूंद की मैक्सिमम स्पीड कितनी थी? जी हाँ मेरे दोस्त, बारिश होती है उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी रही होगी? आज तक के मैक्सिमम स्पीड 18 मीटर पर सेकंड मापा गया है, जो रेन फॉलिंग के टाइम की सबसे बड़ी बूंद मानी जाती है एंड इसका साइज एक बेसबॉल से भी बड़ा था। फैक्ट नंबर 9। छोटे बच्चों को तो लोग अक्सर ही किसी न किसी उल्टे सीधे नाम से बुलाते रहते हैं, बट क्या आपने कभी सोचा है इस दुनिया में सबसे ज्यादा कॉमन नाम छोटे बच्चों को बुलाने वाला कौन सा है? तो वो नाम जैक है। ये नाम ही एक ऐसा नाम है जिसे दुनिया में सबसे ज्यादा लोग अपने छोटे बच्चे का निकनेम रखने में यूज करते हैं।
फैक्ट नंबर 8, लायन एंड टाइगर कैट फैमिली की सबसे बड़े और खतरनाक जानवर हैं। बट शायद आपको पता नहीं होगा, इंडिया को छोड़ के ये जानवर कभी भी एक साथ एक जंगल में नहीं रह सकते हैं। एंड इंडिया में केवल ये 2 या 3 जगह पे पाए जाते हैं एक साथ, जैसे गुजरात, हैदराबाद एंड मुंबई में। फैक्ट नंबर 7, दुनिया में इतने ज्यादा पॉपुलेशन होने के बाद भी एक दूसरे का फिंगरप्रिंट कभी मैच नहीं खाता है। बट क्या आपको पता है, ये जो जेब्रा होते हैं इनके ब्लैक लाइंस भी कभी एक दूसरे से मैच नहीं खाते हैं। फैक्ट नंबर 6, डायनासोर, ये वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में काफी बड़े और भारी जानवर का फिगर बनता होगा। बट क्या आपने कभी सोचा है, इस दुनिया में सबसे छोटा डायनासोर कौन सा था एंड उसका साइज क्या था? उसका नाम था उकियुलिडेन टेविस। इसका साइज आपके फिंगर के बराबर था एंड यह उड़ भी सकता था और पेड़ों पे अपना घर बनाता था। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला में एक ऐसा शब्द है जिसके स्टार्टिंग और लास्ट में एंड आता है? अगर आपको नहीं पता तो थोड़ी देर सोच लो, वह शब्द है अंडरग्राउंड, जिसके स्टार्टिंग और लास्ट दोनों में एंड आता है। एंड अंग्रेजी वर्णमाला में इसके रिलेटेड और कोई दूसरा वर्ड नहीं है जिसके स्टार्टिंग और लास्ट में एंड आता हो। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है लड़कियां अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए कई सारे प्रोडक्ट का यूज करती हैं? उन्हीं सारे प्रोडक्ट में से एक मशीन हेयर ड्रायर भी होता है। बट क्या आपने कभी सोचा है, हेयर ड्रायर जब नहीं था तो लोग अपने बालों को सुखवाने के लिए किस चीज का यूज करते थे? तो मेरे दोस्त, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, हेयर ड्रायर से पहले लोग हेयर वैक्यूम का यूज करते थे, जो करंट टाइम में गाड़ी, घर एंड कंप्यूटर को साफ करने के काम में आता है। फैक्ट नंबर 3, आपने जरूर सुना होगा कि पानी काफी पावरफुल होता है। बट क्या आपने कभी सोचा है, पानी 7 पे भी हो सकता है? जी हाँ मेरे दोस्त, इस दुनिया में एक वाटर जेट नाम की मशीन है जो पानी को काफी 7 पे बना देता है, जिससे बड़े से बड़े मेटल एंड पत्थर को भी पानी आसानी से काट देता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है, दुनिया का सबसे पहला वायरस किसने बनाया होगा? वही वायरस जो हमारे विंडोज एंड कंप्यूटर को करप्ट कर देता है। तो मेरे दोस्त, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, दुनिया का सबसे पहला वायरस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने ही बनाया था, जिसका नाम था बिनवर 1.4, जिसे 1982 में बनाया गया था। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों बड़ी कंपनियों के क्रिएटिव आइडिया एंड मार्केटिंग के बारे में आपने जरूर सुना होगा, बट मैकडॉनल्ड के इस क्रिएटिव आइडिया को सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। दरअसल चाइना के मैकडॉनल्ड्स में सेल्स काफी कम हो गया, क्योंकि वहां के लोगों का मानना था कि ये बर्गर पिज्जा खाने से लोग अनहेल्दी एंड अनफिट रहते हैं, जिसकी वजह से मैकडॉनल्ड ने अपने सारे आउटलेट को बदल के कुछ इस तरीके का बना दिया, जिसमें आप जितने कैलोरी गेन करते हैं उतने कैलोरी बर्न भी कर सकते हैं साइक्लिंग के थ्रू। सो मैकडॉनल्ड का ये क्रिएटिव आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।